और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ब्लॉक के चांचर ग्राम में आईईसी प्रचार वैन विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अच्छा काम करने वाली लखपति दीदी को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। और वहीं नोडल अधिकारी बादल पांडे ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को ड्रोन के जरिए प्रदर्शन भी किया गया। यहाँ प्रधान जी के सहयोग से हम लोग एक करके पहले हम ड्रोन का डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे दे रहे हैं। ड्रोन से कैसे स्प्रे किया जा सकता है, किसान कैसे उससे अपनी जान बचा सकते हैं, केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स से बच सकते हैं और कितना मजदूरी पे बचा सकते हैं, 10 मिनट में कैसे एक एकड़ में आप उससे स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी कहानी मेरी जुबानी में यहाँ के जो लाभार्थी हैं जिनको पहले सरकारी योजनाओं का केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल चुका है वो अपनी कहानी बताएंगे, जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि वो लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए उसके लिए अप्लाई करें या वो भी मकान उज्ज्वला योजना उस सब में लाभ उठा सकें। इसके अलावा यहाँ पर स्वस्थ धरा खेत धरा और सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप मिट्टी की अपनी जांच कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करा के उसी हिसाब से आप उसमें सूक्ष्म और अदर पोषक तत्व जो है वो डाल के उसका फायदा उठा सकते हैं। केंद्र की योजना के लाभार्थियों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। पहले मतलब मैं एक आम महिला थी, घरेलू महिला थी, घर में अपना कामकाज करती थी और अब जब मैं समूह से जुड़ी, एक्टिव वुमेन बनी तो पंचायत में आई। मैं पंचायत स्तर पे आके 6-7 समूहों में मैंने काम किया, समूहों में काम किया। फिर 3 महीने बाद हमें आरभ की राशि 10,000 रुपये दिया गया। 10,000 रुपये दे के फिर हमने आजीविका को अपने बढ़ाने के लिए 1-2 महिलाओं को दे के उस पैसे को फिर हमने कुछ उनसे पशुधन खरीदने का मतलब वो किया, पशुधन खरीदे, दूध का काम किया महिलाओं ने। कुछ महिलाएं इस तरीके से आगे बढ़ी। फिर 6 महीने बाद सीसीएल लोन हुआ 1,00,000 रुपये का। फिर हम 4-5 लोगों में उसको वितरण करके उस पैसे को 5-6 लोगों को फिर आजीविका से मतलब निकालने के लिए, रोजगार देने के लिए। फिर हमने डेयरी का काम किया, डेयरी का काम किया। फिर धीरे धीरे हमारे 25 रुपये बचत से ही महिलाओं को हमने धीरे धीरे गांव मतलब घर से निकाल के पंचायत में लाए, पंचायत से निकाल के एक हमने मतलब ग्राम संगठन बनाया जिसका नाम है नैतिक महिला ग्राम संगठन। ग्राम संगठन में चाहे फंड आया 1,10,000 रुपये। फिर उस राशि से भी हमने कुछ महिलाओं को रोजगार दिया जिससे डेयरी का काम हमारे पंचायत में और पशुधन का काम चल रहा है। मैंने अपने गांव में काम किया, सबको मतलब सारे समूह को ट्रेन किया, सारे समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे हमें राउंड पर हमें रोजगार मिला, राउंड पर जाने का मौका मिला। दूसरी पंचायतों में भी हमने समूह बनाए और उन महिलाओं को भी हमने ट्रेनिंग दी। उसके बाद मैंने सीआरपी ट्रेनिंग ली यूआईआरडी रुद्रपुर में, उसके बाद मैंने सीनियर सीआरपी ट्रेनिंग ली और आज मैं रुद्रपुर ब्लॉक से आईपीआरपी हूँ और मैं मेरे समूह को दीनदयाल योजना की तरफ से 3 लाख का लोन भी मिल चुका है बिना ब्याज का, जिसमें हमारे समूह की महिलाएं रोजगार कर रही हैं, अपना कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं, कुछ डेयरी का भी काम करती हैं और महिलाएं अपना मतलब रोजगार कर रही हैं, बिना ब्याज का पैसा भी उठा रही हैं और ब्याज वाला बहुत कम ब्याज पर भी पैसा मिल रहा है उनको। आरएफ की धनराशि भी मिल चुकी है उनको 10,000 की, सीआईएफ का भी मिल चुका है 55,000 और क्या बीओ से भी मिल चुका है, सीसीएल भी हमारा हो चुका है, सारा हमको सारा फंड मिल चुका है। आज हमारे क्लस्टर का नाम है आजाद महिला क्लस्टर, आजाद स्वायत्त सहकारिता समिति, जिसमें 56,00,000 रुपये की धनराशि समूह की महिलाओं के लिए रोजगार के लिए दी गई है। उसमें सारी महिलाएं रोजगार करेंगी, अपना जो भी काम करेंगी उसी से करेंगी। हमें सरकार के द्वारा 56,00,000 रुपये का फंड भी मिल चुका है। हम पहले घर में रहते थे, हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, फिर हमें पता चला कि हाँ समूह में जुड़ने से हमें इतने लाभ मिलेंगे, एकत्रित हुए, फिर हमें सर पैसे जमा किए, फिर हमें आरफ मिला, आरफ से हम समूह का आगे बढ़ाए, फिर सीसीएल मिला। और वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज